टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क से ग्राहक जुड़े हैं। जी हाँ, ट्राई के हालिया रिपोर्ट के अनुसार मर्जर के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क से करीब 2 लाख एक्टिव ग्राहक जुड़े। बता दें कि पिछले कई समय से वोडाफोन आइडिया लगातार अपने ग्राहकों को खो रहा था। हालांकि सुनील मित्तल की अगुवाई वाली टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इसी महीने में सबसे अधिक एक्टिव ग्राहकों को जोड़ा, जो कि 4.6 मिलियन थे। इसी समय में रिलायंस जियो ने 0.3 मिलियन एक्टिव ग्राहकों को जोड़ा। ट्राई द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी नेटवर्क में निवेश और 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग करेगी। ट्राई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो का मार्केट शेयर अब 35.37%, भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर 31.55% और वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 22.83% हो गई है। एक्टिव ग्राहक संख्या की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारतीय एयरटेल के 360.33 मिलियन में से 355.78 मिलियन एक्टिव ग्राहक हैं। रिलायंस जियो की बात की जाए तो रिलायंस जियो के 403.99 मिलियन में से 378.95 मिलियन एक्टिव ग्राहक हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया के 260.77 मिलियन में से 226.08 मिलियन एक्टिव ग्राहक हैं। बहरहाल मर्जर के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क के साथ करीब 2 लाख एक्टिव ग्राहक जोड़े। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।